अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं जिसका टाइटल है टॉप 10 मुस्लिम एयरफोर्स इन वर्ल्ड, पॉइंट टू पॉइंट पाक एयरफोर्स, टर्किश एयरफोर्स, सऊदी एंड सो ऑन, जितनी बहुत सारी हाँ। सभी की जो एयरफोर्स की पावर है वो दिखाई जाएगी। टॉप 10, 9, 8 और नंबर 1 पे कौन सी होगी वो देखना हमारे लिए बहुत ही मजेदार होगा। हाँ, हम ये देखेंगे पहली बार। हम इससे पहले एजेंसीज के देख चुके हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी की जो हमने वीडियो देखी थी इससे पहले, जो टॉप 10 थी उसमें अलग अलग कंट्रीज की एजेंसीज को दिखाया गया था कि कौन सी 10 पे है, 9 पे है, और जो नंबर 1 पे थी वो थी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी। तो मे बी इसमें भी शायद वो नंबर 1 पे हो, लेकिन देखने में मजा आएगा कि नंबर 1 पे है कौन सी, और अगर वो टॉप 5 में भी होती है तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, सो हियर वी गो। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब और फेसबुक चैनल, और मैं हूं चौधरी अदीर ममदाना। नाज़रीन, हम आपको मालूमाती वीडियो शेयर करते रहते हैं और आज भी हम एक ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो दुनिया की मशहूर टॉप 10 मुस्लिम फजाइया यानी हवाई फौज के बारे में है। दुनिया की मशहूर पहली 10 मुस्लिम हवाई फौजें किन किन ममालिक के पास हैं, लेकिन इससे पहले कि हम नंबर वार इन फौजों के बारे में आपको बताएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कर लें ताकि आपको हमारे चैनल की तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। तो नाज़रीन, आप चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। नाज़रीन अकरम, 10वें नंबर पर जो फजाइया ताकतवर शुमार की जाती है वो है मोरक्को की फजाइया, जिसे 1956 में कायम किया गया। इस फौज में 93,500 अफराद इस वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस फजाइया के पास कुल तैयारों की तादाद 250 है, जिनमें जंगी और फाइटर तैयारे और लोडर तैयारे और 40 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इनमें मिराज 6 और मिराज 5 तैयारे शामिल हैं। 9वें नंबर पर इराक की फजाइया है, इसके पास 45,000 फौजी मौजूद हैं जो एयरफोर्स में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इराक के पास 350 जंगी तैयारे मौजूद हैं, जिनमें 23 जंगी फाइटर तैयारे, 83 हेलीकॉप्टर, 83 हेलीकॉप्टर, 104 ट्रेनर तैयारे। इसके अलावा स्पेशल मिशन की तकमील के लिए तैयारे भी मौजूद हैं। इसके अलावा 53 हेलीकॉप्टर और 40 अटैकर हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। इराक के पास कोई 25, F-16, S-15 गोल्डन ईगल और एरोस्टॉक तैयारे शामिल हैं। इन तैयारों के अलावा इराक के पास मुख्तलिफ इकसाम के ड्रोन भी मौजूद हैं। उन्हीं की वजह से इराक की फजाइया मजबूत तरीन मानी जाती है और दुश्मन को नीचा दिखाने की सलाहियत रखती है। 8वें नंबर पर इंडोनेशिया की फजाइया है, इसके पास अफरादी कुव्वत की तादाद 37,000 से ज्यादा है। इसके पास 458 तैयारे मौजूद हैं, जिनमें 40 जंगी तैयारे, 48 अटैकर तैयारे, 64 ट्रांसपोर्टर तैयारे, 190 तरबीती तैयारे, 17 स्पेशल मिशन तैयारे, 1 आयल टैंकर तैयारा और 15 अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इनके पास F-16 फाल्कन, SU-25, SU-30 वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा बहुत से इकसाम के ड्रोन भी इंडोनेशियन फजाइया के ट्रूप में शामिल हैं। इसके अलावा बहुत से इकसाम के ड्रोन भी इंडोनेशियन फजाइया के ट्रूप में शामिल हैं। 7वें नंबर पर शाम की फजाइया है, इसको 1939 में कायम किया गया। फजाइया में 40,000 जवान खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। शाम के पास 462 मुख्तलिफ इकसाम के तैयारे मौजूद हैं, जिनमें 208 जंगी तैयारे, 18 अटैकर तैयारे, 5 लोडर या ट्रांसपोर्टर तैयारे, 66 तरबीती तैयारे और उसके पास 27 अटैकर हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं शाम के पास MiG-30, MiG-25, स्कोई SU-24 और स्कोई SU-17 जैसे तैयारे मौजूद हैं। शामी फजाइया में मुख्तलिफ इकसाम के ड्रोन भी मौजूद हैं। नासरीन, 6 नंबर पर ईरान की फजाइया है, इस 1925 में कायम किया गया। इसमें 37,000 जवान खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और 517 तैयारे मौजूद हैं, जिनमें 261 जंगी तैयारे, 30 अटैकर तैयारे, 50 फाइटर तैयारे, 96 तरबीती तैयारे, 2 स्पेशल मिशन तैयारे और 3 आयल टैंकर तैयारे जो हवा में ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा 99 हेलीकॉप्टर, 12 अटैकर हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। ईरान के मशहूर जंगी तैयारों में स्कोई SU-24, F-14, MiG-29, चैंगड़ो J-7 और F-1 शामिल हैं। ईरान ने अब ड्रोन का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो कि मुख्तलिफ इकसाम की हैं। 5वें नंबर पर अल्जीरिया की एयरफोर्स है, 1965 में कायम की गई। इसमें जवानों की तादाद 14,000 है। इसके पास 551 तैयारे मौजूद हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी शामिल हैं। 102 जंगी तैयारे, 62 अटैकर तैयारे, 60 ट्रांसपोर्टर तैयारे, 87 ट्रेनर तैयारे, 9 स्पेशल मिशन तैयारे और 8 टैंकर तैयारे मौजूद हैं। इसके साथ साथ 268 हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं और 7 अटैकर हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इसके मशहूर तैयारे स्कोई SU-30, स्कोई SU-35 और स्कोई SU-24, MiG-24 और MiG-25 तैयारे हैं। 4वें नंबर पर सऊदी अरब की फजाइया है, इस 1920 में कायम किया गया। इसमें 63,000 जवान अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं।
इनके पास 899 तियारे मौजूद हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी शामिल हैं। इनमें 279 जंगी तियारे, 81 हेलीकॉप्टर, 51 ट्रांसपोर्टर तियारे, 186 ट्रेनर तियारे, 13 स्पेशल मिशन जहाज, 35 टैंकर तियारे, 258 हेलीकॉप्टर और 200 अटैकर हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इस कमजोर तियारे में यूरोफाइटर टाइफून, S-15 ईगल, EF-44, अपाची हेलीकॉप्टर और कई एक इकसाम के ड्रोन भी मौजूद हैं। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर तुर्की की एयरफोर्स है, जिसके पास जवानों की तादाद 81,000 है और उसकी बुनियाद 1911 में रखी गई। इसके पास 1,056 तियारे मौजूद हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी शामिल हैं। इनमें 206 जंगी तियारे, 80 ट्रांसपोर्टर तियारे, 63 ट्रेनिंग तियारे, 19 स्पेशल मिशन तियारे, 60 टैंकर तियारे और 171 हेलीकॉप्टर और 104 अटैकर हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इनके पास मशहूर तियारे F-16 फाल्कन, 21 हेलीकॉप्टर, फैंटम 2 तियारे और तुर्की ने ड्रोन साजी में भी बहुत तरक्की कर ली है और चीन के बराबर खड़ा है। इसके पास दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ इकसाम की हैं। दूसरे नंबर पर मिस्र की फजाइया है, ये 1937 में माज़े वजूद में आई थी। इसके पास जंगी तियारे बहुत कम हैं, लेकिन इसके पास जो तियारे हैं वो दुनिया के ताकतवर तरीन तियारे हैं, इसलिए इसे तुर्की से भी ज्यादा ताकतवर समझा जाता है। इसलिए मुस्लिम दुनिया की टॉप 10 एयरफोर्सेस में दूसरे नंबर पर है। इसके पास डिजार्ट मिराज 2000 और राफेल तियारे मौजूद हैं और F-16 फाल्कन, MiG-29 वगैरह शामिल हैं। मिस्र के पास 250 जंगी तियारे, 88 अटैकर तियारे, 59 ट्रांसपोर्टर तियारे, 11 स्पेशल मिशन तियारे, 4 हेलीकॉप्टर के अलावा बहुत से ट्रेनर तियारे भी मौजूद हैं। तियारों के अलावा मिस्र के पास ड्रोन भी मुख्तलिफ इकसाम के मौजूद हैं। नाज़रीन, कितनी खुशी की बात है कि इस्लामी मुल्कों में टॉप 10 एयरफोर्सेज में अव्वल नंबर पर जिसका नाम है वो पाक फ़ज़ाइया है। इसे मुस्लिम दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्स का दर्जा हासिल है, इसलिए जब भी किसी मुल्क को मदद की ज़रूरत हुई पाकिस्तान की तरफ ही रुख किया और पाकिस्तान ने भी अपने मुसलमान भाइयों की मदद में कोई कसर ना छोड़ी। सऊदी अरब हो या आज़रबाईजान, पाकिस्तान ने हर मुल्क की बेहतरीन मदद की और कभी अपना हाथ पीछे नहीं किया। पाक फ़ज़ाइया की बुनियाद 1947 में रखी गई थी। पाकिस्तान के पास 357 जंगी तियारे, 90 अटैकर तियारे, 88 ट्रांसपोर्टर तियारे, 510 तरबीती तियारे, 24 स्पेशल मिशन तियारे, 4 टैंकर तियारे, 331 हेलीकॉप्टर और 53 अटैकर हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। पाक फ़ज़ाइया में जैसा मटीन थंडर, F-16 फाल्कन, Mirage-3, Mirage-5 और F-7 जैसे तियारे मौजूद हैं। इसके साथ साथ पाक फ़ज़ाइया में मुख्तलिफ नौइयत के ड्रोन भी मौजूद हैं, जिनमें बुराक UAE, जासूस 2, UAE वगैरह शामिल हैं। तो नाज़रीन, ये थी वो तफसीलात जो हमने मुस्लिम दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्सेज की बताई हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे लगा शायद फर्स्ट पे तुर्की, मुझे लगा था शायद ईरान होगा, ईरान या तुर्की, मुझे लग रहा था कि ये दोनों में से कोई एक होगा, पर पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे। वैसे इंटेलिजेंस एजेंसी की तो हमने देखी थी वीडियो, उसमें भी ये फर्स्ट नंबर पे था, पर ये इसमें एक्सपेक्ट नहीं था ना। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी की बात देखी जाए, इन्होंने मेरे ख्याल में जो रेशियो निकाला है, जो अपने रैंकिंग निकाली, मे भी जो आर्मी की वो है नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग निकाला हो कि आर्मी में जो आदमी हैं, लोग हैं, वो कितने ढेर सारे, मे भी उसके अकॉर्डिंग निकाला हो। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान बहुत आगे है, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। लेकिन एजेंसीज़ की बात की जाए, इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो उसमें भी पाकिस्तान पीछे नहीं है, तो टक्कर तो बराबरी की है। हाँ बिल्कुल, टक्कर बराबरी की है। और इतने सारे उन्होंने बताया कि हमारे पास इतने तैयारे हैं और हमारे पास इतने सारे टैंकर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, कंट्रीज के पास क्या क्या है। और हमें ये भी नहीं पता था, मुझे खास करके नहीं पता था कि सीरिया की भी आर्मी है। मुझे लगता था शायद उनकी कोई आर्मी नहीं होगी, बिकॉज उनकी जैसी कंडीशन है, तो मे बी क्या पता ना हो, बट उनकी भी आर्मी है तो होगी, अच्छी बात है फिर। लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे इराक है और सऊदी है, ईरान है और टर्की है, पाकिस्तानी सारी, इंडोनेशिया वगैरह, लेबनान, और इन सब की हमने कभी नाम ही नहीं सुने थे कि इनके पास भी इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज़ होंगी और ये टॉप 10 में इंक्लूड होंगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो हमने ऐसी वीडियो देखी जिसको देखकर हमें बहुत मज़ा आया। हमने एजेंसीज़ के देखी थी, उसमें बहुत अच्छा हमें रिस्पांस भी मिला था और हमें भी इतना ज़्यादा मज़ा आया देखकर उसको। और उम्मीद हम करेंगे कि इस वीडियो पे भी बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिले। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, और अच्छी अच्छी वीडियो सजेस्ट करना ना भूलें। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।